आपसी विवाद में चली गोली, एक घायल हाल नाजुक किया रेफर। मामला सुपौल जिला के किशनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहरा गांव का है। आपसी विवाद को लेकर गांव में पंचायत के दौरान ही विरोधी गुट के एक शख्स ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कल दो व्यक्ति में आपसी विवाद हुआ था, जिस बात को लेकर आज पंचायत बुलाई गई थी। इसी बीच पंचायत चल रही थी कि एक बाद में एक गुट के व्यक्ति ने दूसरे गुट पर गोली चला दी, जिसमें सूरज कुमार नाम व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। इधर घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बलराम कुमार, त्रिवेणीगंज, सुपौल। दोनों ऑटो चलाते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कल आपस में पैसेंजर को लेकर के कुछ हुआ है, आज उसी की परिणति है कि आपस में गोलीबारी तक पहुँच गई है। बात तो जाँच का विषय है, कैसे घटना घटी, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कानूनी रूप से जो जो इन्वॉल्व है दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल ये कल संकल्प साल के पास जो टेम्पो स्टैंड है वहीं पर दोनों लोगों में मतलब हुई थी, तुतुमय में हुआ था, क्योंकि दोनों ही लोग टेम्पो रखते हैं, टेम्पो चलवाते हैं या चलाते हैं, मोहम्मद सुलेमान और दूसरी वो सूरज शाह। आज उसी सिलसिले में पंचायती हो रही थी, कटहरा गांव में पंचायती हो रही थी, पंचायती के ही दौरान सुलेमान ने गोली चला दिया। सुनने में आ रहा है कि सुलेमान का भी सर फटा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी